24 घंटे से ज्यादा कभी जीवन में दुखी मत रहना, चाहे दुनिया का सबसे प्रिय आदमी दुनिया से चला जाए आपका, इससे बुरी घटना तो नहीं होगी। शोक मना लो 24 घंटे, दुखी हो लो 24 घंटे, बाहर आ जाओ 24 घंटे में, दुनिया की खुशी से खुशी खबर और बुरी से बुरी खबर घड़ी मिला के 24 घंटे रोले जितना रोना है। एग्जैक्ट 24 घंटे के बाद मैं अपने आप को वापस शिफ्ट कर जाऊंगा अपनी जिंदगी में, जो लोगों का निर्माण करती है और लोगों को क्रिएटिविटी सिखाती है। शिफ्ट करो नेगेटिविटी से पॉजिटिव। एक गांव था, साधु एक साधु गांव के मेन रास्ते पे बैठा था, अचानक काली सी आंधी आई तो उसने पूछा तू कौन? कि मैं मौत। अरे बाप रे, क्या लेने आई है? कि मुझे 10,000 लोगों की जरूरत है। अच्छा ठीक है, कि 7 दिन रुकूंगी, 10,000 लोगों को लेके जाऊंगी। 3 दिन हुए और 40,000 तो निपट गए, 3 दिन हुए 40,000 निकल लिए। बाबा को टेंशन हो रही है, 7 दिन के लिए बोला था और 10,000 बोला था, 3 दिन में निपट लिए 40,000। जब वापस जा रही थी तो 75,000 को लेके जा रही थी, तो उसने पूछा रुक रुक रुक, तूने बोला था 10,000 लेके जाऊंगी, तू 75,000 लेके जा रही है, तेरा क्या है, कोई वादा है तेरा ये? अरे कि मैंने तो 10,000 ही लिए, बाकी तो मेरे पैसे ही निपट गए साले। नहीं समझ में आया? अभी आपको भी भय लग रहा है, कोई ना कोई। इतने मौत से नहीं मरे जितने मौत के भय से मरे। लड़कियों से बातें करने से पैसा नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 100 लड़कियों में से सामने 90 लड़के ही होते हैं जो तुम्हें लड़कियां मिलके बैठी है। साला उल्लू पागल बन जाओगे, माल भी जाएगा माजना भी जाएगा, लास्ट में पछताओगे। जो अमेरिका लास्ट में रुला रुला के कर देता है ना, वो सामान भारत पहुंचता है। ये फेसबुक एरी भारत में तब पहुंची है जब उन्होंने माल लूट लिया। अब इस कचरे को ज्यादा मत खाओ। कई लोग कहते हैं लिस्ट ही खत्म हो गई, लोग ही खत्म हो गए सर। अरे हर मिनट में 20 बच्चे पैदा कर रहे हैं, लोग खत्म हो गए तेरे। हर साल ऑस्ट्रेलिया पैदा हो रहा है, तेरे लोग कैसे खत्म हो रहे हैं, भारत के तो बढ़ते जा रहे हैं। मेरा फोकस कभी डिफोकस नहीं हुआ। मैं सारंगी बजाता था तो फिर मैं ढोलक नहीं बजाने लग गया, फिर मैं ढोलक से मैं तंबूरा नहीं बजाने लग गया, फिर मैं हॉकी नहीं, बैडमिंटन नहीं, ना। मेरी जिंदगी में मैंने अपना फोकस नहीं बदला। आपको अपनी जिंदगी में उन गतिविधियों पे फोकस करना होगा जो आपको हर तबाही से उठाएगी। मैं 4 बार तबाह हुआ, 4 बार में एक चीज कॉमन थी, मैं नहीं हुआ था, सामान हुआ था। 1 लाख से 0 गया तो मैं तबाह थोड़ी हुआ, सामान ही तो खत्म हुआ है। फिर मैं 6 लाख गया तो 6 लाख से जब 0 हुआ तो मैं तबाह थोड़ी हुआ था। तो मैं हर बार जश्न इसलिए मनाया, साला कुछ भी हो जाए जब तक तू है तू फिर खड़ा कर देगा और साम्राज्य बना देगा। ये खुद हूं ना मैं खुद हूं ना, तो मैं खुद हूं ना। ये मैं आपसे तारीफ नहीं सुनवाना चाह रहा, मैं आपको जगा रहा हूं। आप भी तो खुद हो ना, आपकी भी तो उंगलियों के निशान विश्व में किसी से नहीं मिलते ना, आपके भी तो फिंगरप्रिंट्स, आपके भी तो लिप प्रिंट्स की शकल, आपकी अकल, आप जैसा धरती पे दूसरा नहीं है। ये एक खूबी ऐसी है, आप इतिहास बना सकते हो, आप उस एक खूबी की वजह से दुनिया को हिला सकते हो, सिर्फ एक, और वो आपकी अपनी है। इसलिए उन गतिविधियों पे फोकस करो जो आपको बेहतरीन ढंग से करने का मौका मिले। टाइम पर फोन नहीं उठाते, आप ऐसे लोगों को जानते हैं? आप कह रहे हैं सर जानते नहीं है, अपन ही है, हम जल्दी से नहीं उठाते फोन। सर सेल्स की दुनिया में आपका फोन का कम्युनिकेशन जितना लेट होगा आपके खाते में धन उतना ही लेट आएगा। उड़ा देना इस आदत को, उड़ा देना इस आदत को। और मैं तो ऐसे ऐसे लोगों के जीवन को स्टडी करता हूं, इंपोर्टेंट से जिंदगी में इंपोर्टेंट काम था, उसको उस टाइम भी फोन नहीं उठा पाया क्योंकि आदत ही नहीं है। अब आपसे मैं पूछता हूं, आदत का धन से संबंध है कि नहीं है? आदत का कामयाबी से संबंध है कि नहीं है? अगर जिंदगी में टाइम पर रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, टाइम पर फोन नहीं उठाओगे, कैसे कोई एक आदमी एक फोन पे आपकी जिंदगी, उस फोन पे उसका मूड अलग था और बाद में उसका मूड बदल गया। 1 मिनट में व्यवहार बदल जाता है, 1 मिनट में सोच बदल जाती है। जो लोग सेल्स की दुनिया में है, जितनी जल्दी फोन पे रिस्पॉन्ड करेंगे उतनी जल्दी कामयाबी साथ आएगी।